यस क्लास, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कलरफुल लैंडस्केप ड्राइंग विथ इजी स्टेप्स। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ क्लाउड्स ड्राइंग। इजी स्टेप्स के साथ हमें क्लाउड्स कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से देखेंगे। हैंड कैसे मूव करना है आपको। फर्स्ट आपको सी फॉर कैट अल्फाबेट, सी फॉर कैट आपको ड्रॉ करना है। सी अल्फाबेट लाइक दिस। अदर साइड से हमें सी इस टाइप से ड्रॉ करना है। स्मॉल बिग मीडियम डिफरेंट शेप के साथ साइज के साथ आप सी अल्फाबेट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस टाइप से आप इसमें ज्वाइन करेंगे। ये हमारा क्लाउड ड्राइंग रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप आपको ड्रॉ करना है हिल्स। फर्स्ट आपको बैकग्राउंड ड्राइंग, आपको बेस ड्राइंग इस टाइप से ड्रॉ करना है। देन सेकंड लाइन आपको इस टाइप से, ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ करना है। बैकग्राउंड लाइन आपको इस टाइप से पहले कंप्लीट ड्रॉ करना है लाइट। देन आपको हिल्स ड्रॉ करनी है। फर्स्ट देखिए आप, ये यहाँ से आपको इस टाइप से ये आपको ड्रॉ करना है। देन सेकंड इसको इसके ऊपर ओवरलैप करना है। मिड एरिया में आपको ये हिल्स शो करना है। देन स्मॉल बैक साइड एक हिल्स शो करना है। तो ये यहाँ पर आपका लैंडस्केप में, लैंडस्केप ड्राइंग में हमने हिल्स ड्रॉ कर दिए कम्प्लीटली। अब आपको ग्रास डिफरेंट कलर से, हम यहाँ पर ग्रास शो करेंगे तो आपको ग्रास शो करनी है। तो ये देखिए आपको ये यहाँ से ऐसे कर्व लाइन ऐसे शो करना है। फ्री हैंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। ओनली अब हमें ड्रॉप्स दिखानी है। क्लाउड्स में से ड्रॉप्स निकलता हुआ ऐसे दिखाना है आपको। ये देखिए इसके ऊपर ओवरलैप करना है। अदर देन यहाँ पर ग्रास शो करना है आपको। इस टाइप से ग्रास बना दिया है हमने। इस साइड भी आपको ग्रास शो करना है। यहाँ भी हम ग्रास, स्मॉल ग्रास ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए आपका कलरफुल लैंडस्केप। हम इसको कलरफुल करेंगे, अभी कलर करेंगे इसके अंदर हम। तो इसके अंदर हम कूल कलर यूज़ करेंगे। तो कूल कलर नेचर में कलर जो भी यूज़ होता है, नेचर नेचुरल नेचर जो होता है वो कूल कलर्स होते हैं। उसमें ग्रीन हो गया, ब्लू कलर, ग्रीन ब्लू कलर, तो ये कूल कलर्स में आते हैं। तो हमें यहाँ पर ब्लू एंड ग्रीन कलर यूज़ करना है कम्प्लीट लैंडस्केप में। तो आप देखेंगे हम कैसे कलरिंग करेंगे। अब हमें कलरिंग स्टार्ट करना है। तो इसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में आपको शो करना है बुक के अकॉर्डिंग। थीम है हमारी कूल कलर, तो कूल कलर ग्रीन कलर यूज़ करना है। जो कलर, ये कूल कलर से मतलब है ये आइज़ को हमारे, हम देखते हैं अगर हम रेड कलर देखते हैं वो हमें वार्म लगता है, कूल नहीं लगता है, आँखों को ठंडक नहीं देता है। तो ये कूल कलर से मतलब है जो आइज़ को ठंडा करे, मतलब कूलनेस जिसको देख कर लगे, अच्छा लगे आपको। तो फर्स्ट आपको इस टाइप से आउटलाइन करनी है। ब्लैक पेंसिल हम लाइट कर देंगे, कलरिंग अच्छा लगेगा। क्लाउड्स में हम डार्क ब्लू कलर करेंगे, फिर आउटलाइन करेंगे ओनली डार्क ब्लू से। ड्रॉप्स में भी हम सेम कलर फिल करेंगे, आउटलाइन करेंगे डार्क ब्लू से।
दिस साइड हम अदर ब्लू कलर का डिफरेंट शेड यूज़ कर रहे हैं। अब हम पर्पल कलर यूज़ करेंगे। इस ड्राइंग में हम कंप्लीटली कूल कलर यूज़ करने वाले हैं, तो पर्पल कलर भी कूल कलर में हम यूज़ कर रहे हैं। दिस साइड हम पर्पल कलर का लाइट शेड यूज करेंगे। पेंसिल रब कर देंगे, एक्स्ट्रा पेंसिल आपको विजिबल हो रहा है इस क्लास। अब हमने आउटलाइन कंप्लीट कर दिया है, अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्लाउड में हम डार्क ब्लू कलर से हमने आउटलाइन करा है और लाइट ब्लू कलर हम फिल करेंगे। ये देखिए, वन साइड वन फ्लो में आपको हैंड मूव करना है। आप देखेंगे मेरा हैंड कैसे, हम जैसे मैं यहाँ पर कलरिंग कर रही हूँ इस टाइप से आप हैंड मूव करेंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे आप। डार्क साइड साइड में आपको डार्क शेडिंग करनी है। ये देखिए इस टाइप से। अब हमें हिल्स में कलर करना है, तो हम हिल्स में ग्रीन कलर करेंगे। ये देखिए, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये अभी हमने ओनली डार्क ग्रीन कलर यूज़ करा है, अदरवाइज हम डबल शेड के साथ करेंगे। येलो में येलो करेंगे फर्स्ट, देन हम डार्क ग्रीन अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर येलो फर्स्ट टोन करा है, सेकंड हमने डार्क ग्रीन करा है इसके ऊपर। फर्स्ट हमने येलो कलर अप्लाई करा है, देन हमने डार्क ग्रीन अप्लाई करा है, और यहाँ हमने ओनली लाइट ग्रीन अप्लाई करा है। इस एरिया में हमें ग्रास कलर करना है, लाइट ग्रीन कलर फिल करना है। फर्स्ट हम येलो करेंगे ग्रास में, देन
ग्रीन कलर। टू शेड में हमने यहाँ पर ग्रास में कलर करा है बैकग्राउंड में। अगेन हम लाइट ग्रीन कलर यूज करेंगे। अब हमें ओनली यहाँ पर कलर करना है इस एरिया में, तो हम लाइट ब्लू कलर यूज करने वाले हैं। अगर पेंसिल कलर आप यूज कर रहे हैं ऐसे इस टाइप से स्लैंटिंग वे में पकड़ेंगे और कलर फिल करेंगे, इजीली कलर मर्ज हो जाता है ऐसे इस वे में। नेक्स्ट कलर हम करेंगे डार्क पर्पल कलर। इस साइड हम पर्पल कलर की डिफरेंट टोन यूज करेंगे, तो ये देखिए आप पर्पल कलर का डिफरेंट इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। साइड साइड आपको क्या करना है, डार्क करना है। जैसे दिस साइड देख रहे हैं आप, अदर देन दिस साइड देख रहे हैं और इस साइड देख रहे हैं ब्लू कलर में, इस साइड देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से डार्क करना है। ये एरिया हमें एक्स्ट्रा डार्क कलरिंग करनी है। ये देखिए ऑल ओवर कंप्लीट हो गई ये कलरिंग। अब ओनली बैकग्राउंड में यहाँ पर स्काई में हमें करना है ब्लू कलर इफेक्ट दिखाना है, ओनली लाइट, बिल्कुल लाइट शेड वन टाइम में कंप्लीट करना है, वन टोन में ही। ये देखिए ओनली लास्ट स्टेप अब हमें कंप्लीट करना है आउटलाइन।
नहीं है, अच्छी लगती है। देख सकते हैं हमने कैसे कलरिंग करा है एंड ड्राइंग करा है इजी वे में, और आपको ऐसे ही सेम एज इट इज़ कलरिंग करना है, नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है और कूल कलर्स के साथ इसको कलर करना है। जैसे हमने कूल कलर यहाँ यूज़ करा है, ब्लू कलर, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल कलर, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। तो आप भी ऐसे ही कलरिंग करेंगे एंड ड्रॉ करेंगे।